अभी हम लोग आ गए मछली बाजार पे। लेट मी शो यू डिफरेंट यूरोप व्हिच इज फेमस फॉर इट्स फूड, ड्रिंक्स, कैसल्स, सी एज वेल एज इट्स रीसेंट वॉर हिस्ट्री व्हिच मेक देम सेपरेटेड फ्रॉम अ सिंगल कंट्री, फ्रॉम यूगोस्लाविया टू सर्बिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बेनिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। दीस आर द अमेजिंग कंट्रीज ऑफ द बाल्कन्स एंड लेट्स एक्सप्लोर देम विद एक्सप्लोरर राजा। वेलकम बैक टू क्रोएशिया। और इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम इस ट्रॉपिकल सिटी स्प्लिट टू इट्स कैपिटल ज़ग्रेब और एक्सप्लोर करने वाले हैं इस खूबसूरत यूरोपियन कैपिटल को, तो बने रहिए। बहुत ठंड है यहाँ पे, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, और मैं एक्सप्लोरर हूँ जो यहाँ पे आया। ये रोड बहुत ही सीनिक है, क्रोएशिया बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों में जा रहा हूँ अभी, ज़ग्रेब कैपिटल में 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे हैं। तो 9 बज रहे हैं और पहुंच गए हैं ज़ग्रेब। टेम्परेचर है 13 डिग्री, बहुत ठंड है क्योंकि इतना देर था मैं मेडिटेरियन जगह पे, अभी आ चुका हूँ पहाड़ों के बीच में। सिर्फ 4 घंटे का नहीं, 5 घंटे का ड्राइव था और अभी पहुंच गया हूँ 14 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री, तो 15 डिग्री का डिफरेंस हो चुका है। बहुत ठंड लग रहा है। हॉस्टल है 2 किलोमीटर दूर, यानी कि 25-30 मिनट का वॉक, तो चलते हैं। तकरीबन 1 महीने बाद मैं एक प्रॉपर यूरोपियन सिटी पे आया हूँ। 1 महीने पहले था मैं बुदापेस्ट, जहाँ पे बहुत चलना पड़ा था, सिटी बहुत बड़ा था। और उसके बाद सारे बाल्कन, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, अल्बेनिया, सब छोटे छोटे सिटीज़ थे। और फिर से मैं एक बड़ा सिटी, कैपिटल ऑफ क्रोएशिया ज़ग्रेब। क्रोएशिया EU में आ चुका है तो वेल मेंटेन्ड है, और कुछ ही सालों में शेंगेन में भी आ जाएगा। पर अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीज़ा है तो आप आराम से क्रोएशिया आ सकते हैं। और क्रोएशिया महंगा भी है कंपेयर्ड टू हंगरी जो कि शेंगेन में है, चेक जो कि शेंगेन में है। अजीब है कि 9:30 बजे सारे स्टोर और दुकान बंद हो चुके हैं, तो मैकडोनल्ड्स बचा दिया। वेलकम बैक टू अगले दिन गाइस। ये मेरा हॉस्टल, ये मेरा बेड, और यहाँ पे एक जन है और पूरा एम्प्टी है। मेरे को अपग्रेड मिल गया था 6 बेडरूम में, क्योंकि मेरा 8 बेडरूम फुल है और लॉकर काम नहीं कर रहा था। थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट किया करूँ। और ये व्यू फ्रॉम माई रूम। आई बज रहे 10:40, मुझे पहुंचना है सिटी सेंटर 11 बजे के अंदर, जो कि गूगल में बता रहे 35 मिनट लगेंगे। तो मैं रह रहा हूँ सोल हॉस्टल ज़ग्रेब, और 2 नाइट के लिए मुझे पड़े 17.5 यूरो। कन्वर्ट कर लेना रुपीज़ में। और बहुत ठंड है बाहर, 13 डिग्री टेम्परेचर है, मुझे धूप ढूंढना पड़ेगा। अब मिले धूप। क्रोएशिया का बॉर्डर बाकी शेंगेन कंट्री से बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली पकड़ लो, उससे बहुत स्ट्रांग है क्रोएशिया का बॉर्डर्स एंड उनका पुलिस, क्योंकि क्रोएशिया को आना है शेंगेन जोन में, और शेंगेन जोन में आने के लिए इनको अपना बॉर्डर अच्छा दिखाना पड़ेगा। इसलिए क्रोएशिया में आपको कहीं भी इलीगल इमिग्रेंट्स या फिर रोड पे भिखारी नहीं मिलेंगे, कहीं भी इन द सेंस शहर के अंदर तो नहीं मिलेंगे। सो इट फील्स मोर सेफर देन पेरिस और एनी अदर बिग सिटी इन वेस्टर्न यूरोप। ग्यारह 5 बज रहे हैं, 11 बजे था वॉकिंग टूर, और लगता है वो वाला है वॉकिंग टूर। और अभी अभी हम लोग आ गए हैं सिटी सेंटर में टू टेक द फ्री वॉकिंग टूर, जो मैं लेता हूँ हर यूरोपियन सिटी में टू गेट द नॉलेज अबाउट इट्स कंट्रीज हिस्ट्री एंड द सिटी एंड थिंग्स टू डू एंड नॉट टू डू।
तो पकड़ लिया वॉकिंग टूर, 5वीं डेट। थोड़ा समझ में कम आ रहा है पर चलो मिल तो गया। और इसको कहते हैं मेन टाउन, मेन स्क्वायर, सेंट्रल स्क्वायर या फिर बैन जलादेत स्क्वायर, जो कि उस आदमी का नाम है। और आप ध्यान से देखोगे तो एकदम राजस्थानी राजपूत लग रहा है, पगड़ी टाइप का कुछ पहना है और बड़े मुस्टाच है। रेफरेंस ढूंढो देश के। अगर आपने मेरे पुराने वेस्टर्न यूरोपियन सीरीज के वीडियोस देखे हैं जैसे कि फ्रांस, इटली या फिर चेक रिपब्लिक, हंगरी, आपको पता होगा कि मैं हर शहर में लेता हूँ ये फ्री वॉकिंग टूर एंड आई हाईली रिकमेंड, इट गिव्स यू द बेस्ट आइडिया अबाउट द कंट्री। तो ये है स्पेशल चैपल, ये ओल्ड टाउन था और ओल्ड टाउन में आग लग गया था पर सिर्फ एक फोटो बच गया था, मदर मेरी का, होली मेरी। और सब उन्होंने सोचा कि ये मेडिकल है तो एक बड़ा सा चैपल बनाया है और वो है वो फोटो। सिर्फ वही फोटो बच गया था आग लगने के बाद। और उस चर्च को एक्चुअली स्टोन गेट भी कहते हैं और स्टोन गेट को क्रॉस करने के बाद हम लोग आ गए ओल्ड टाउन पे। ओल्ड टाउन में ही है एक पुराना फार्मेसी जो कि ईगल की फ़ोटो में दी गई है। यूरोप में हर जगह पर जब आपको ईगल का फ़ोटो मिलेगा उसका मतलब है फार्मेसी। और ये वाला 700 साल से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और अभी हम लोगों को चढ़ना है तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्च है यहाँ का। और ये गवर्नर बिल्डिंग और ये है पार्लियामेंट। और 1992 के टाइम जब जंग चल रहा था सर्बिया के साथ तो ठीक इस बिल्डिंग में क्रोएशिया का प्रेसिडेंट को बॉम्ब करने के लिए प्लेन भेजा गया था। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर क्रोएशिया प्रेसिडेंट वहाँ से निकल के थोड़ी देर चलने गया क्योंकि उन्होंने अपना लंच 3 मिनट पहले ख़त्म कर लिया था और वो बच गए। तो ये हंसी आ रही बोलने में। तो यहाँ पे ज़ग्रेब का सबसे खूबसूरत चर्च ये है क्योंकि अंदर सब कुछ पिंक में है तो सब कोई यहाँ पे शादी करने आता है। और ठीक उसके बगल में है ये बड़ा बिल्डिंग, ऐसे बहुत फेमस है ज़ग्रेब का, तो रिकमेंडेशन में सबसे पहले यही आता है। इसे कहा जाता है म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप या फिर म्यूजियम ऑफ ब्रेकअप, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, बहुत फनी है। उधर आप देख सकते हैं कैनन है छोटा सा और रोज़ 12 बजे ब्लास्ट होता है, अभी 12 बजने में 4 मिनट बाकी है। तो अपना टूर गाइड का कहना है कि ये इतना ज़ोर से होता है कि ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन या कैमरा गिरा देते हैं, तो देखा जाए हम लोग डरते हैं कि नहीं। वो कैनन अभी चलने वाला है पर असली नहीं है, मतलब असली कैनन है, पूरा पूरी असली है पर कैनन बॉल नहीं निकलता है। बढ़िया था। बढ़िया मजा आ गया, दिवाली का फील आ गया। एंड लेट मी प्रेजेंट यू जिसे यूरोप का मोस्ट ब्यूटीफुल बैल्कनी भी कहा जाता है कई मामलों में, एंड यहाँ का व्यू एकदम टॉप नॉच था। यूरोप में किसी और जगह की तरफ भी यहाँ पे सब ताले लगा के अपने प्यार को अमर कर रहे हैं और सोचते हैं कि ताले लगाने से हो जाएगा। अपने गाइड ने अच्छे से बोला कि ताले लगाने के बाद चाबी मत फेंको,
चाबी रख दो, पता नहीं कब काम आ जाए, प्यार ख़त्म हो जाए, तो क्योंकि ताला लगाए तो प्यार बनेगा नहीं, तो खोलना पड़े। या फिर एक काम कर सकते आप, कॉम्बिनेशन लॉक खरीद लीजिए, जब लगे कि नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आके लॉक खोल देना। तो नीचे था पॉप स्ट्रीट, और ये वाला जो स्ट्रीट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली है क्राफ्ट स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ के सारे जो रेस्टोरेंट्स और पब है सिर्फ क्राफ्ट बियर बेचते हैं, मतलब जो कि लोकल लोग बनाते हैं, और एक भी बड़े ब्रांड जैसे हैं हैनिकन हो, ट्यूबॉर्स हो, ये सब नहीं बेचते। और सामने है मार्केट, अपनी सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ी मंडी खुली रहती है सुबह 7 से 2 बजे तक, और हाईली रिकमेंडेड है कि आप सब्ज़ी मंडी जाओ, मछली बाज़ार जाओ, ताकि आपको पता चले लोकल कैसे खाते हैं और कितने पैसे देते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी मंडी के अंदर ग्रुप छोड़ के। ऑलमोस्ट यूरोप के हर बड़े शहर में आपको मिल जाएंगे कई बड़े बड़े सुपर मार्केट जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो लोकल मार्केट्स उतने एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है, बट अगर आप ढूंढो तो हर शहर में हफ्ते में एक दिन तो मिल ही जाएगा जहाँ पे लोकल्स अपनी ऑर्गेनिक चीज़ें बेचते हैं शहर में आके। ये यहाँ के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दी सुपरमार्केट्स, क्योंकि सुपरमार्केट जैसे इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, ये लोग लोकली बेचते हैं, बट इनका फूड ज़्यादा अच्छा होता है, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी एंड मीट द लोकल पीपल, दिस आर द बेस्ट प्लेस टू गो एंड शॉप। तो मैं आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़ग्रेब में उसी दिन में हो रहा था इतना बड़ा मार्केट। क्या कहते हैं इसको, किशमिश, कितने हैं? 300 रुपये किलो। मुझे इंडियन प्राइस नहीं पता, मैं जो भी कंपेयर हो रहा हूँ, आपको पता हो तो कंपेयर कर लेना। अंगूर है 60 रुपये किलो। ये क्या है मुझे पता नहीं, सौ रुपये किलो है ऑरेंज। एक 50 रुपये। तो काजू लिया है 100 ग्राम 100 रुपये। इंडिया में पता नहीं कितने हैं, इंडिया में शायद 70-80 रुपये मिल जाते हैं 100 ग्राम। तो बार्गेन करने के बाद मिला 100 रुपये में। यहाँ पे बहुत दिनों बाद काजू दिखाए, तो काजू खाएंगे आज। बेलनी लिया है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हर जगह पे बियर बोतल यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो बेलनी लिया है। 150 रुपये दाम था बार्गेन करने के बाद, बार्गेन भी नहीं, 100 रुपये बोला तो मान गया, तो मुझे लगता है 50 से शुरू करना चाहिए था, इधर भी बार्गेनिंग अच्छा चलता है। जो भी हो कुछ लिया है, काम आएगा पूरे ट्रिप में। अभी हम लोग आ गए हैं मछली बाज़ार पे, जो कि अंडरग्राउंड, तो मच्छी मार्केट देखने आए हैं। तो कहीं भी आओ बाज़ार में आना, फिर आते हैं सिटी का असली। I hate the smell of fish. तो ये एक्चुअली मीट एंड चीज़ सेक्शन है, फिश मार्केट कहीं और पे है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और मीट में ऑप्शन सिर्फ दो ही रहते हैं अपने पास, एक होता है चिकन और दूसरा होता है बीफ। तो यहाँ पे यूरोप में कहीं पे भी, इंडिया के बाहर मटन का उतना सेल नहीं मिलता है, बहुत ढूंढने से मिलता है मटन। तो चिकन के प्राइस हर जगह 150 से 200 रुपये किलो के आ जाते हैं, और बीफ के प्राइस अराउंड 500 के आसपास रहते हैं पर किलो। पर बीफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कई तरह के,
और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं तो ज़्यादा चिकन लेके चिकन के डिफरेंट आइटम बना के खा लेता हूँ। बस हाँ, वापस आ गए धूप पे। इधर और भी मार्केट है। फिश मार्केट सांस लेते पहले बहुत सारा, फिर एक झटके में पूरा निपटाएंगे। मुझे फिश पसंद नहीं। अपने टोनी भैया अमर यहाँ पे खड़े हैं। ये मेन पॉप स्ट्रीट है और यहाँ पे कई सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। पीछे था एक श्रीलंकन रेस्टोरेंट, सामने एक इंडियन है रॉयल इंडिया नाम से। ये रहा रॉयल इंडिया। कुछ 500-600 रुपए के बीच में सारे आइटम हैं। बिरयानी 650, हाफ चिकन 450 और सिंपल राइस 150 रुपए। ऐसे ही पैसे अभी तो लग रहा है ठीक ठाक ही है। मैंने को तो नहीं खाना क्योंकि मैं तो इंडियन खाना खुद ही पका लेता हूँ। अभी तो बेलनी भी ले लिया तो रोटी तो झट से बनेगा।